शिल्पांचल वासियों के वंदे भारत में यात्रा का इंतजार खत्म हुआ। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने के बाद पटना हावड़ा वंदे भारत शाम में आसनसोल पहुंची। आसनसोल स्टेशन पर ट्रेन के स्वागत के लिए DRM चेतनानंद सिंह के नेतृत्व में रेलवे अधिकारी मौजूद थे। वहीं भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। स्टेशन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। ट्रेन में पहले से सवार गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे भी आसनसोल में उतरे। आसनसोल स्टेशन पर अतिथियों ने संयुक्त रूप से ट्रेन को हरी झंडी दिखाए। वंदे भारत 26 सितंबर से नियमित रूप से चलेगी। बुधवार को छोड़कर यह सप्ताह में 6 दिन ही चलेगी। पटना हावड़ा वंदे भारत सुबह 8 बजे पटना से खुलेगी और दोपहर 12:18 में आसनसोल पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन हावड़ा से शाम 3:50 में खुलकर 5:53 में आसनसोल पहुंचेगी तथा रात 10:40 पटना पहुंचेगी। इसे दुर्गापुर में भी ठहराव दिया गया है। दुर्गापुर में भी वंदे भारत ट्रेन का भव्य स्वागत किया गया। पटना से आसनसोल तक का किराया इस ट्रेन के चेयर कार में 955 और एग्जीक्यूटिव श्रेणी में 1790 रुपये है। वहीं आसनसोल से हावड़ा का किराया इसमें 825 रुपये चेयर कार में है। इसमें 242 रुपये कैंटीन शुल्क है। अगर बिना कैंटीन की यात्रा करने पर 583 रुपये ही देना होगा। आसनसोल आज के दुटो ट्रेन एखे देखा खूब खुशी मोदी जी के धन्यवाद जाना। अवश्य आछे, सब जगह होले भालो है। बहुत अच्छा लग रहा है, वंदे भारत एक्सप्रेस आया है आसनसोल को, मौका मिला है। अगर और ऐसा ट्रेन आता है तो हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है और इसके लिए थैंक यू मोदी जी। क्या बताएंगे इसके बारे में, क्या क्या डिमांड रखेंगे आप लोग? डिमांड तो कोई नहीं है, वो मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर सब कुछ ही कर रहे हैं, तो मतलब जो हम लोग को चाहिए एक आम नागरिक को, वो सब कुछ हमारे लिए वो कर रहे हैं।